क्षेत्र में एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने 4 वर्षीय मासूम को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने यहां हंगामा काटा। अधिकारियों के पहुंचने के बाद मामले को शांत किया गया, वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया। तस्वीरें हृदय विदारक और दिल को दहला देने वाली है। तस्वीरें थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम जरामई की है। यहाँ अनियंत्रित और तेज रफ्तार रोडवेज बस चालक ने रोडवेज बस को लापरवाही से चलाते हुए 4 वर्षीय मासूम, जिसका नाम आदित्य पुत्र सरविंद कुमार निवासी ग्राम जरामई, जो कि सड़क के इस तरफ से उस तरफ जा रहा था, तभी रोडवेज बस ने उसे रौंद दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही घटना घटित हुई, पूरे परिवार में हड़कंप मच गया, चीख पुकार मच गई। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस और प्रशासन को हुई, तो तत्काल मौके पर उप जिलाधिकारी सदर नवोत्तर शर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंचे। यहां परिवारी जनों और ग्रामीणों को दोनों ही अधिकारियों ने काफी समझाया, जिसके बाद हंगामे को शांत किया और मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया, साथ ही आगे की कानूनी प्रक्रिया को भी अंजाम दिलाया। वहीं पुलिस ने मृतक मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जहां शव परिजनों को सौंप दिया, वहीं आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। दूसरी ओर मृतक मासूम की मौत हो जाने के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परशुराम शर्मा, परशुराम जी, मृतक है कौन है आपका? ये हमारे गांव के ही हैं। हमारे गांव में एक लड़की रहती है, गांव में ही। बच्चा सुबह स्कूल जा रहा था 9 बजे, और इधर से रोडवेज बस चालक आया, उसकी लापरवाही तेज गति थी और उसने वो बच्चे को कुचलती हुई चली गई। मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर ही मौत। कितने बजे घटना हुई है? ये 9 बजे, सुबह 9 बजे की। कहाँ के रहने वाला था ये? जरामई गाँव का। जरामई में ननसार में रहता था? ननसार में नहीं, यहीं रहते हैं, यहीं के ननसारी है ना। वैसे रहने वाले एटा के हैं ये लोग? एटा साइड के रहने वाले, यहाँ पे रह रहे हैं कम से कम 10 वर्षों से, यहीं रह रहे हैं, यहीं झोपड़ी डाल के अपना गुजारा कर रहे हैं। सर, आगरा रोड पे एक रोडवेज बस से बच्चे की मौत हुई है, किस तरीके की घटना है सर, और परिजनों की तरफ से किस तरीके की तहरीर दी गई है? आज जो है सुबह लगभग 9:15 बजे एक रोडवेज बस जो मैनपुरी से औसरोड पर जा रही थी, यहाँ पर जरामई गांव पड़ता है, यहाँ पे एक जो आदित्य नाम, आदित्य बच्चे का नाम है आदित्य नाम शिवेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, अचानक बस की चपेट में आ गया। यह ओवर मूवमेंट में गति थी, बहुत अधिक तेज से बस जा रही थी, इसलिए चपेट में आ गया, उसकी तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई। यह फायर के लिए मुकदमा के लिए कर दिया गया, एप्लीकेशन मिल गई है, एफआईआर लिखी जा रही है, और इसके तहत जो आकस्मिक दुर्घटना निधि होती है उसके तहत भी अनुदान इसको दिया जाएगा। SDM महोदय आई थी, वो संज्ञान में लिए है बात को। सर, गाड़ी को क्या मौके से पकड़ लिया गया है? क्योंकि गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन मैं बस स्टैंड जो यहाँ पे है वहाँ से मालूम पड़ जाएगा कौन सी बस जा रही थी इस टाइम पे, उसको रिकवर कर लिया जाएगा।